हेलो दोस्तों, कुक बाय प्रियंका में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, और वो भी बहुत ही स्पेशल तरीके से। और जो भिंडी नहीं खाता है वो भी भिंडी खाने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उस वजह से लोग भिंडी नहीं खाते है ना। तो हम आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे, तो जिससे आपकी भिंडी जो है बहुत टेस्टी भी बनेगी और बहुत ही बढ़िया यमी तरीके से बनेगी। तो उसके लिए हमने देखिए आधा किलो तक भी इसे भिंडी ले लिया है, ठीक। इसको हमने खूब बढ़िया सा धो लिया है और इसका पानी सुखा लिया है, बिल्कुल सूख गया है, ठीक। और ये देखिए हमने इसको भिंडी को और बढ़िया सा सुखा कर एक किनारे रख लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो भिंडी हम एक ले लेंगे और इसका आगे का भाग इसको कट करेंगे और पीछे के भाग को ये कट करेंगे, ठीक है। और इसको बीच से कट करेंगे, ठीक। ये देखिए बीच से इसको कट कर दिया। अब बीच से कट करने के बाद इसको हम चार भाग में डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये एक दो हो गया और दो का ये चार हो गया, हो गया ना। तो मतलब एक भिंडी में कितने भाग हो गए, आठ भाग, ठीक। एक भिंडी में हम लगभग आठ भाग तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम भिंडियां पूरी काट लेंगे, देख रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया सी हो गई ना। तो इसी तरह हम सारी भिंडियों को कट कर लेंगे। तो देखिए हम आपको फिर से दिखाते हैं। तो जैसे कि ये बड़ी भिंडी है, ठीक। तो इसका हम पहले आगे का कट करेंगे और ये किनारे का कट करेंगे, उसके बाद ये बीच से हम इसको कट करेंगे, और ये देखिए इसके बीच में चीरा लगाएंगे और इसके चार भाग करेंगे। ये देखिए चार इसके हो गए, ठीक है। अब चार इसके भी कर लेंगे, ये एक दो हो गया और ये इसके चार हो गए, हो गए ना बढ़िया सा। तो ये देखिए इसी तरह हम सारी भिंडियों को काट लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारी भिंडियां हमारी कट गई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए पूरे सब आठ भागों में ये डिवाइड हो गई है, हो गई है ना, देखिए। और इसके साथ जानते हैं, इसके साथ हम बहुत ही फेवरेट चीज बनाने जा रहे हैं, वो है लच्छा पराठा, ठीक है। तो लच्छा पराठा के साथ ये करारी भिंडी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब चलिए इसमें हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ मिला लेते हैं, मसाले वगैरह। तो चलिए इसके ऊपर फटाफट से मसाले मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसन में मिलाने से पहले हम मतलब उसको मसाले मिलाने से पहले ये देखिए हम कुछ मसाले सूखे तैयार करेंगे। तो ये है हमारे पास धनिया, तो ये देखिए खड़ी धनिया होती है ना, वो खड़ी धनिया है। ये लगभग दो चम्मच हमने खड़ी धनिया ले ली है। अब इसमें मिलाएंगे हम, ये है हमारे पास पीली वाली सरसों। तो ये देखिए दोस्तों, पीली वाली सरसों है, ये थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे, ठीक है। ये भी लगभग एक चम्मच मान के चलिए, एक चम्मच है, ठीक है। अब हम इसमें मिलाएंगे मेथी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मेथी मिलाएंगे, ये मसाला बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए एक चम्मच हम इसमें मेथी मिला देंगे, ठीक है। अब इसमें मिला देंगे हम थोड़ा सा जीरा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम एक चम्मच जीरा मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम खूब बढ़िया सा भूंज लेंगे। अब भूंजने के बाद इसको हल्के आंच में इसको चलिए भूंज लेते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा सौंफ ऐड करना चाहते हैं तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें सौंफ नहीं ऐड करेंगे, हम बस इतनी चीज इसमें मिलाएंगे। अब चलिए इसको भूंजते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पैन चढ़ा दिया है। पैन चढ़ाने के बाद जब ये हीट हो जाएगा तो ये देखिए ये जितने सारे मसाले हैं वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से रोस्ट कर लीजिए। अभी इसमें एक चीज और मिलाएंगे, बहुत जानदार चीज है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी सब्जी बहुत टेस्टी सी बनेगी। तो उसके लिए देखिए आप हमारी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा लगातार देखेंगे तो आपको सारी वीडियो मालूम चल जाएगी कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हल्का सा धीमा, ध्यान रहे कि जलने ना पाए, क्योंकि बहुत तेज ये जलने लगता है। तो इसी तरह धीरे धीरे करते हुए ये मसाले आप अच्छे से भूंज लीजिए। अब इसी में जब ये थोड़ा सा मतलब एक दो सेकंड हो जाएगा तब आप इसमें डाल दीजिए मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मूंगफली डाल देंगे तो मूंगफली से इसका टेक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी सी मूंगफली डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। अगर आप गिनती से देखें तो ये कम से कम 50 मूंगफली होगी, ठीक है। अगर उससे देखें तो ये कम से कम आपका लगभग दो चम्मच होगा, ठीक है। दो चम्मच जैसे ज़्यादा मूंगफली आप मत डालिए। अब इसको अच्छे से मूंगफली के साथ भी इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक से दो मिनट हो चुका है, एक से दो मिनट में ये हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और ये रोस्ट कैसे होगा, जब इसमें फुट फुट की आवाज़ आने लगेगी, ये देखिए चट चट की आवाज़ आ रही है, तो आप देख सकते हैं, देखिए सुन लीजिए।
तो देखिए इस तरह चटचट की आवाज आएगी, तो ये आप समझ लीजिए कि हमारा ये मसाला जो है ये अच्छे से भूंज के तैयार हो गया। आप देख रहे होंगे ये देखिए मूंगफली का छिलका भी उतर चुका है। ठीक है, अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये रही प्लेट, इसी में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बड़ी सावधानी से निकालिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे क्योंकि इसका हमको पाउडर बनाना है। ठीक है, तो इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। उससे पहले ये इसको ठंडा होने दीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा है, तो अब चलिए इसमें हम मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों, तो इसमें मिलाएंगे हम ये जीरा पाउडर। ठीक है, तो ये देखिए एक चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों एक चम्मच हमने मिला दिया। अब इसमें मिलाएंगे हम ये कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब इसमें मिलाएंगे हम ये 1/4 टीस्पून इसमें मिलाएंगे हम हल्दी पाउडर, थोड़ी सी और मिला देते हैं, ये देखिए। ठीक है, कलर अच्छा आएगा। इसमें मिला देंगे हम ये लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, ये भी हमने आधा चम्मच इसमें मिलाया हुआ है। अब इसमें मिलाएंगे हम बेसन, तो बेसन देखिए 1 टीस्पून 2 टीस्पून। ठीक है, तो लगभग हम इसमें 3 बड़े चम्मच हम इसमें मिलाएंगे। ठीक है, बेसन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों इसमें हल्का सा हम नमक मिला देंगे। तो ये देखिए बहुत ही जरा सा मिलाइएगा बस। अब क्या करेंगे, इसको हम पूरा मिक्स करेंगे। तो इसको हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने पे क्या होगा कि ये हल्का फुल्का जो इसमें लिसलिसापन होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है भिंडी में, तो वो अपने आप ही खूब बढ़िया सा लपट जाएगा। आपको इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको सबसे पहले ऐसे बाइंडिंग करिए, उसके बाद जब आपको हल्का फुल्का जरूरत लगे तब इसमें आप हल्का सा पानी मिला सकते हैं। ठीक है, पहले आप ऐसे ही मिलाइए। ये देखिए हमारा अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसमें आप देखिए हमको हल्का सा जरूरत महसूस हो रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें पानी कैसे मिलाना है, आपको पहले ही ऐसे पूरा डाल नहीं देना है। आप एक ये लीजिए चुल्लू बना लीजिए। ठीक है, पानी ऐसे आपको छिड़क के डालना है। ठीक है, ये देखिए ज्यादा पानी भी यूज नहीं करना है और बस हल्का से ऐसे छिड़कना है। ठीक है, तो ये देखिए आपको इसमें पूरा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, बस ये हल्का सा आपका पूरा बेसन जितना भी इसमें मसाला है वो सारा मसाला इसमें अच्छे से लपट जाए, बस आपको इतना ही करना है। ज्यादा पानी आप डाल देंगे तो ये आपका पेस्ट तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सब्जी बनेगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और पता चल रहा है कि हल्का सा और यूज करना है, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा लेंगे चुल्लू भर और फिर इसको हम छिड़कते हुए पानी इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए फिर इसमें मिला दिया। ठीक है, इसी तरह हम सारी बाइंडिंग कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों ये सारी बाइंडिंग हो चुकी है, आप देख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है ना, अच्छी लग रही है ना देखने में। तो सोचिए जब देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी ना, और इसके साथ लच्छा पराठा, वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा खाने में। आज का डिनर तो बनने आना तो बनता है, और बनाने का बनता है से आपको एक काम और भी करना है कि लाइक भी करने बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हाथ धो लेते हैं और चलते हैं फ्राइंग पैन में गैस पे। तो देखिए दोस्तों ये हमने इसको रख दिया है मैरिनेट करने के लिए, और इधर देखिए ये मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब चलिए इसको हम फटाफट से पीस लेते हैं, लेते हैं ग्राइंडिंग जार। तो देखिए दोस्तों इसको हम लेंगे और इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों पूरा डाल देंगे। अब चलिए इसको हम फटाफट से पीस लेते हैं और इसको पल्स रेट में पीसेंगे, थोड़ा सा दरबरा रखेंगे, ज्यादा इसका पाउडर महीन नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से पीसते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है, देखिए हल्का सा दरबरा है। अब देखिए ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए ये घर का बना हुआ मसाला है, बहुत ही टेस्टी सा मसाला है। ये देखिए दोस्तों हल्का सा दरबरा है। ठीक, अब चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। तो देखिए हमने पैन चढ़ा दिया हुआ है,
अब इस पैन में हम ऑयल डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन चढ़ाने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, ठीक है। तो ये देखिए, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है, बस इतना सा डाल के, और ये लगभग 2 चम्मच होगा। अब इसको अच्छे से हीट हो जाने देंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से हमारा हीट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग पाउडर, ठीक है। तो हींग पाउडर बहुत जरा सा डालना है, ज्यादा हमें नहीं डालना है, क्योंकि हींग से हमारा बहुत अच्छा स्वाद आएगा, ठीक है। ये देखिए, इतना सा हींग हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसको अच्छे से चला देंगे। तो ये देखिए, हमारा पक गया है ना। तो देखिए दोस्तों, हींग पकने के बाद हम ये जो हमारे पास ये है भिंडी का, तो ये देखिए हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, पूरे डाल देंगे। तो आप चाहे तो 2 भाग में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 1 भाग में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 1 ही भाग में कर लेते हैं, 2 भाग में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको ले लेते हैं। तो चलिए 2 भाग कर लेते हैं, क्योंकि नहीं आ पाएगा, आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे कि ज़्यादा भिंडी हो तो फिर क्या करें। तो ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है, ठीक। अब इसको हम थोड़े से ही में इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसको हमने डाल दिया। अब इसको अच्छे से चला देंगे, ठीक है। इसको इसी में हमको बढ़िया सा पका लेना है, ठीक है, ताकि तेल में ये अच्छे से भिंडी हमारी पक जाए, ठीक। हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस हमें इसको अच्छे से पकाना है। पकाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा, कम समय देंगे तो आपकी भिंडी अच्छे से पकेगी भी नहीं, कच्ची हो जाएगी, ठीक है। तो इसको खूब बढ़िया से लगातार आपको भूनते रहना है, नीचे से पकड़ने ना पाए, ताकि आपने इसमें बेसन भी मिलाया है, बेसन भी अच्छे से पकना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लगातार इसको चलाते रहिए, चलाते चलाते इसको पका लीजिए। पकाते समय इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब हल्का से इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये भिंडी हमको भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है, 3 से 4 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए कितनी बढ़िया से भिंडी आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया से भिंडी हमारी पक गई है, और पकी है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा आपका देख सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो बेसन इसमें लपटा हुआ था, वो बेसन भी अच्छे से पक चुका है, ठीक है। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ये जो हमारे पास थोड़ी सी बची हुई भिंडी है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से हम और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी बाउल में हम इसको पलट लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से हमारी भिंडी बन के तैयार हुई है। तो मेरा तो मन कर रहा है दोस्तों इसी तरह खा लेने का, क्या आपका भी ऐसे ही मन कर रहा है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि आपका क्या मन कर रहा है, ऐसी भिंडी खाने का मन कर रहा है? ये देखिए दोस्तों, हमारी ये बढ़िया सी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है ना। तो अब चलिए, जितनी बची हुई थी उसको भी फिलहाल हम उसी तरह बना लेते हैं। तो देखिए, इसी तरह इसको भी हम चलिए फ्राई कर लेते हैं इसी में, ठीक है, फिर आगे का प्रोसीजर चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम उसी तरह ही फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने इसको फ्राई किया था, ठीक है, सेम वैसे ही हमने इसको भी फ्राई करेंगे। और जैसे ये फ्राई हो रही है, इसको पकने में समय लग रहा है, जैसे हम कुछ मसाले बेसिक तैयार कर लेते हैं। तो वो है, देखिए हमने 3 प्याज लिया है, आप अगर प्याज और खाना चाहते हैं तो आप 1-2 प्याज इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इस प्याज को हम छील लेते हैं। तो इस प्याज को दोस्तों, एक हम बता दें कि इसका काटने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए, ये हम पहले इसको ऐसे कट करके इसका छिलका उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका छिलका हटा लेते हैं। तो बहुत ही इजीली ये छिलका हट जाता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। ये देखिए, फट से कट के अलग हो गया। तो देखिए, ये बीच से पहले इसको अलग करिए, फिर ये पीछे का भाग भी कट करिए। अब कोई एक पत्ता आप इसको पकड़ लीजिए, और ये देखिए बड़ी आराम से इसको निकाल दीजिए। तो ये देखिए निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया। तो इसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा प्याज ज़्यादा खाते हैं, तो फिलहाल हमने 4 प्याज ले लिया है, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और ज़्यादा आप ले सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बताएंगे आपको तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बीच से कट करते हैं। तो ये जो भाग है इसको हम निकाल देते हैं, और ये वाला भाग जो है इसको भी निकाल देते हैं। अब बीच से एक टुकड़ा और करेंगे हम। अब क्या करेंगे, जो परत है इसकी आप देख सकते हैं, देखिए ये जो परत है, ये सारी परत इसकी हम ऐसे खोल देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसी हम इसकी परत ऐसे पूरी खोल देंगे, एक भाग और कर लेंगे। और ये देखिए, इसकी सारी परतें, इसी तरह हम सारे प्याज निकाल लेंगे
और इसकी सारी परतें इसी तरह हम खोल देंगे। इसको आपको ना छोटे काटने हैं ना बड़े काटने हैं, बस इसी तरह आपको काटने हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह इसको पूरे काट लिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे ने पूरा देखिए प्याज इसको बढ़िया सा अलग अलग कर लिया। आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा अलग हो गया है ना, देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पूरा प्याज अलग हो गया है, ठीक है। अब चलिए इसको गैस पे चढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा बचा हुआ था उसको भी हमने इसको फ्राई करके इसी में रख लिया है, और ये प्याज हो गया है। और इसमें हमने फिर से पैन चढ़ा दिया है, और पैन चढ़ाने के बाद इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल। तो ये देखिए, अपने आवश्यकता अनुसार डालिएगा, ज़्यादा जितना आपको कम ज़्यादा बेसिक आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कम तेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने इतना डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। तो देखिए दोस्तों, ये तेल हमारा अच्छे से हीट हो गया है, अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा। तो देखिए, तुरंत हमारा अच्छे से जब हीट हो जाएगा तो तुरंत ही पक जाएगा। अब इसमें डाल देंगे ये प्याज, ठीक है, इस प्याज को भी इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए, सारे प्याज हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे, ये देखिए, इसको हमें हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसको कलर चेंज होते होते इसको पका देना है, ठीक है। ज़्यादा पकाएंगे तो बिल्कुल गल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हल्का सा इसको बस कलर चेंज हो जाए प्याज का, आपका पका हो जाए, तब तक इसको पकाते रहना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको डालने के बाद, ठीक है, देखिए आप देख सकते होंगे ये हल्का सा हमारा प्याज देखिए पक चुका है, देख रहे हैं, बस कलर चेंज करना था। अब हम इसी स्टेज पे ये जो हमारे मसाला पीस के रखा हुआ था, इस मसाले को इसमें पूरा मिला देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा मसाला इसमें हम मिला देंगे। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे, ये लीजिए, ये देखिए, इसको अच्छे से हम खूब बढ़िया सा चला देंगे। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे थोड़ा सा, अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम ये जो हम भिंडी थी, इसी भिंडी को इसमें मिला देंगे। अब भिंडी मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये देखिए, ऊपर नीचे करके इसको खूब बढ़िया सा चला लीजिए, ये देखिए, अच्छे से चलाइए, ठीक है, ये देखिए, ऊपर नीचे करते हुए बढ़िया सा चला लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब इसको हम अच्छे से चला लेंगे तब हम इससे इसको ढक देंगे, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुका है, हम इसको देख लेते हैं क्या हाल है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी हम इसको नहीं पकाएंगे, पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप पहले भी थोड़ा सा डाल चुके हैं, तो बहुत ही अंदाज से डालिएगा, बहुत ही कम डालिएगा। तो ये देखिए, हम इसमें ज़रा सा नमक और ऐड करेंगे, ठीक। ऐड करने के बाद अब इसको हम पका थोड़ा सा चला देंगे, ठीक, चला कर हम देख लेंगे कि हमारी कैसी बनी है, ठीक। तो अभी हमारा लमछम हुआ नहीं है, ठीक, ये देखिए, अब इसको हम फिर से ढक देंगे ताकि हमारा फिर से पक जाए। तो ये देखिए, फिर से ये गैस ढक्कन लीजिए और इसको लिड से ढक दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आटा लगाना है, तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, तो आटा जितना आपको लेना हो आप उतना आटा ले लीजिए, और इसमें मिलाएंगे हम अजवाइन, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने 1 चम्मच अजवाइन ले लिया है, और इसको क्रश करके डालेंगे, ठीक, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे हम नमक। तो ये देखिए, हम इसमें जरा सा नमक डालेंगे, सिर्फ स्वाद के लिए डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक। अब नमक डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, इससे दोस्तों स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, निखर के आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, हम कसूरी मेथी ले लिए हैं, और इसको ऐसे ही रफ कर लेंगे, और रफ करने के बाद इसको ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसमें डालेंगे तेल। अब देखिए, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ये रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अब हम चलिए इसको मिलाते हुए बढ़िया सा आटा लगा लेते हैं। पहले इसको मिला लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, खूब बढ़िया सा हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए, कसूरी मेथी थी ना उसकी लकड़ी है, फेंक दीजिए, और अब इसको खूब बढ़िया से लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगा लेंगे, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बिल्कुल जैसे पराठा बनता है, बिल्कुल पराठा की तरह सख्त आटा लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया, देखिए कितना सख्त लगा है ना।
तो देखिए यहाँ पे हमारा लक्के तैयार हो गया। अब चलिए फटाफट से सब्जी देखते हैं क्या हाल है। चलिए देखते हैं दोस्तों अपनी सब्जी। तो ये देखिए दोस्तों सब्जी खोल दिए हैं, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। वाह दोस्तों ये तो पूरी सब्जी पक गई है, देखिए कितना बढ़िया से चलाइए। तो देखिए दोस्तों ये देखिए हमारी सब्जी पूरी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है सब्जी, और हमारी भिंडी भी बढ़िया सी पक गई है। कोई बता ही नहीं सकता कि ये भिंडी की सब्जी है, देखिए कोई नहीं बता सकता। और खाने में इतनी बेहतरीन लगेगी कि सारी सब्जियां फेल हो जाएगी। और ये देखिए, और इसके साथ जो लच्छा पराठा आप खाएंगे ना, तो वाव आज का डिनर तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो ये लीजिए हमारी सब्जी भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं और चलिए फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बन गई, ये आटा भी हमारा सेट हो गया। अब चलिए इसका हम भाग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक भाग हमने कर लिया, और इसके दो तीन भाग कर लेते हैं, इसकी लोई काट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके फटाफट से लोई काटते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना हो पराठा। तो एक दो ऐसे छोटी छोटी हम इसको लोइयां काट लेंगे। ये देखिए ये हमने काट ली, चलिए सारी लोइयां काट लेते हैं। तो देखिए सारी लोइयां हमारी कट गई है। ठीक, अब चलिए एक लोई से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोई लेंगे। ठीक है, अब इसको हम गोला कर लेंगे। ये देखिए देखते जाइए बस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हल्का सा आटा लगाएंगे। ये देखिए ठीक, हल्का सा आटा लगाएंगे। अब इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, अब इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसको रोटी की तरह खूब बढ़िया सा बेल लेंगे। जैसे ये आपको चिपक रहा होगा तो इसमें हल्का सा आटा भुरभुरा दीजिए। ये देखिए ठीक है, और फिर इसको बेल लीजिए। ये देखिए चिपक रहा है ना, तो इसमें आटा लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, बस इतना बेल लिया आपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम तेल। तो ये देखिए दोस्तों ये रिफाइंड ऑयल है, इसके ऊपर खूब बढ़िया सा लगा देंगे। ये देखिए, चाहे तो हाथ से लगा लीजिए। तो देखिए हम हाथ से लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों खूब बढ़िया सा आटा तेल लगा देंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा भुरभुरा भी देंगे, आटा भुरभुरा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इस एक बार इधर से फोल्ड करिए, रुकिए देखिए आपको पास से दिखा रहे हैं। एक बार ऐसे फोल्ड करिए, फिर एक बार आप ऐसे फोल्ड करिए। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए ये हो गया। ठीक है, अब एक बार इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, इसके ऊपर भी लगा दीजिए। अब एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए और एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये हमारा फोल्ड हो गया, देखिए ये फोल्ड हो गया, देख रहे हैं। अब इसको खूब बढ़िया सा हम इस आटे में लगा के इसको हम बढ़िया सा पराठा बना लेते हैं। ये देखिए अब इसको खूब बढ़िया सा बेल लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये हो गया, ये देखिए बेल गया, देखिए हो गया ना, देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बेल के तैयार हो गया। चलिए दूसरा तरीका अब फिर बताते हैं आगे। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया, क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। ये देखिए बेल लेंगे, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऑयल ग्रीस करेंगे। ये देखिए खूब बढ़िया से ऑयल लगा देंगे। ठीक है, अब एक फोल्ड ऐसे करेंगे, एक फोल्ड ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक फोल्ड ऐसे करेंगे और एक इसी के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब अरे कमेंट करके यस तो बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको बेल लेते हैं, ये आटे में डिप करें, अब इसको अच्छे से बेल लेते हैं। ये लीजिए ये हमारा, इसमें जब आप पराठा जब खोलेंगे तो बहुत ही लच्छेदार पराठे आपके निकल के आएंगे, और बहुत ही परत दर परत पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। आपको ज़्यादा परत वाला खाना है तो इसी का एक दो परत आप और मिला लीजिए, ये हमारे परत तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सेकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमने तवा गरम कर लिया है, अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए ठीक है, अब एक पराठा हम उठाएंगे और इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है,
और इसको अच्छे से सिकने देंगे। ठीक है, एक तरह जब अच्छे से सिक जाएगा तो इसको पलट देंगे। देखिए, चलिए देखते हैं, ये देखिए अच्छे सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, तो ये देखिए दोस्तों, इसके चारों तरफ हम बढ़िया सा ऑयल मिक्स कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, अब इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब इसके इस साइड भी हम ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, अब देखिए इसको बढ़िया सा हम सेक लेते हैं दबा दबा कर। ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया सा हमारा कलर भी आया है और कितना बढ़िया सा आप देख सकते होंगे। देखिए कितनी बढ़िया से किनारे आपकी परत, देखिए इतनी बढ़िया सी परत हमारी खुल के आ रही है ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पराठा देखिए बिल्कुल तैयारी पे आ गया। ठीक, ये देखिए बन गई हमारे पराठे। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा पराठा सेक के तैयार हो गया है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये तवा है, उसी में हम निकाल लेते हैं। चलिए इसी पे दूसरा भी चढ़ा देते हैं और इसी तरह सारे पराठे हम फटाफट से सेक लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी थाली बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये पराठे भी हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं और ये देखिए हमने सलाद भी बना लिया हुआ है। चलिए अब फटाफट से निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए, ये हमारी बन गई है भिंडी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते होंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। चलिए इसको फटाफट से निकालते हैं। अब हर कोई भिंडी खाना चाहेगा, जो नहीं खाते हैं वो भी मांग मांग के खाएंगे। और आपको देना पड़ेगा, कम पड़ जाएगी फिर से बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी मसाला भिंडी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको सजा लिया थाली में। ठीक है, अब चलिए हम पराठा लगा लेते हैं। तो ये हमारी मस्त पराठे हैं, ये हमारी लच्छा पराठा बनके तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये लगा लिया और ये देखिए दोस्तों, ये लगा लिया, ये हमारी पराठे बनके तैयार। ये हमारा सलाद बनके रेडी है और ये देखिए दोस्तों, ये लगाया, ये देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो सोचिए, जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना बेहतरीन लगेगा। देखिए दोस्तों, ये बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बताओ, किसे किसे पसंद आया? जिसे जिसे पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।